कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन में मजदूर वर्ग के लोग बगैर घर से बाहर निकले ही सड़क पर आ गए। ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन ओलंपिक चैंपियन रह चुके और कई गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके वेनेजुएला के तलवारबाज रूबिन लिमार्डो डिलीवरी बॉय बन गए हैं। वो अपनी साइकिल में ही बैग लटका कर लोगों के घर खाना डिलीवरी कर रहे हैं। बता दें कि 35 साल के लिमार्डो ने लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। फिलहाल वे खुद इस नौकरी का खुलासा किया था, उसने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। बताते हैं कि यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है और टोक्यो ओलंपिक भी एक साल के लिए टाल दिया गया है। रूबिन लिमार्डो ने बताया कि हफ्ते में इस काम से वे 100 यूरो कमाते हैं। उनके दो बच्चे भी हैं। वह कहते हैं कि हर बार जब मैं एक डिलीवरी करता हूं, तो मैं इससे मुझे 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में मदद मिलेगी। हारना नहीं है, जो हारते हैं वह गिरते नहीं है, लड़ने का नाम ही जिंदगी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट कर जरूर बताएं।